अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव में मतदाताओं के द्वारा मतदान करने के आधार पर चुने जाने वाले सांसद अपने लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व संसद में करते हैं। देश के लिए होने वाले चुनाव में भारत का नागरिक किसी भी क्षेत्र से उम्मीदवारी कर सकता है। कोरबा लोकसभा से भाजपा उम्मीदवार सरोज पांडे ने कोरिया में मीडिया से कहा कि अगर वह बाहरी है तो सोनिया गांधी कहाँ की है। तीसरे चरण में कोरबा लोकसभा सीट पर मतदान होना है और इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग ने 7 मई की तारीख सुनिश्चित की है। भाजपा प्रत्याशी सरोज पांडे ने नामांकन प्रक्रिया से एक दिन पहले कोरिया जिले में पहुंचकर जनसंपर्क किया और मीडिया से संक्षिप्त चर्चा की। खुद को बाहरी बताने से संबंधित सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि अगर सोनिया गांधी को बाहरी नहीं माना जा सकता तो सरोज पांडे आखिर कैसे बाहरी हो सकती है। देश के चुनाव में देश का व्यक्ति कहीं से भी प्रत्याशी हो सकता है, यह व्यवस्था का हिस्सा है। यह आरोप राजनीतिक दृष्टि से लगाया गया। मेरे बाहरी होने के विषय में कांग्रेस क्या कहेगी? सोनिया गांधी भारत की है। कांग्रेस कुछ भी आरोप लगाने के पहले अपने गृहवा में क्यों नहीं जाती है? मैं ये बात भी पूछना चाहती हूँ कि राहुल गांधी अमेठी जाकर दिल्ली से अमेठी में चुनाव लड़ते हैं, अमेठी से वायनाड में लड़ते हैं। भारत के प्रधानमंत्री गुजरात से आकर काशी में लड़ते हैं। ये लोकसभा का चुनाव है, ये देश का चुनाव है, तो इस विषय पर कांग्रेस क्या कहेगी? कांग्रेस को इसका उत्तर देना चाहिए। संसदीय क्षेत्र में अपनी उपलब्धता को लेकर पांडे ने बताया कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में पूरे सेटअप सहित संसदीय कार्यालय का प्रबंध होगा। सत्र को छोड़कर महीने में एक दिन कार्यालय में उनकी उपस्थिति होगी। मैंने अपनी जनता को कहा है कि मेरे जितने भी जिला मुख्यालय हैं, सभी जिला मुख्यालय पर हमारा संसदीय कार्यालय होगा, सभी जगहों पर। और उस संसदीय कार्यालय में हमारा पूरा स्टाफ होगा। जिस संसदीय कार्यालय में मैं स्वयं महीने में एक दिन आकर बैठूंगी, जिस समय सत्र चलेगा उस समय को छोड़कर, सत्र के समय को छोड़कर, बहुत स्पष्टता से कह रही हूं। चुनाव प्रचार के लिए अब एक महीने से भी कम का समय प्रत्याशियों के पास बचा हुआ है। इस अवधि में वे बड़े हिस्से में पहुंचने के साथ अपनी और पार्टी की बात रखने की कोशिश कर रहे हैं। कोरिया से मनोज श्रीवास्तव की रिपोर्ट।